राम राम किसान भाइयों। अभी आप देख सकते हो मेरे खेत का, मैं डेली वीडियो छोड़ता हूँ। और अभी कल कितनी गेप थी खेत में, और आज देख सकते हो आप सारी बेल एक से एक मुंह मिलने लग गए हैं इनके। इतनी खतरनाक ब्रांचिंग और बेलें चल रही है हमारी, जिसका लाजवाब चल रही है। मतलब हमारे खेत में आप खेत का उठाव भी देख सकते हो, कितना शानदार है, क्वालिटी ज़बरदस्त है। बेले ही बेले दिख रही है, मतलब मुंडे ही मुंडे दिख रहे हैं यहाँ पे। और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी स्टेज पे हुई है इसमें। मैं आपको फ्रूटिंग बताता हूँ, ये देखिए, मतलब ये यहाँ पे लगा एक बेल में कम से कम 4 से 5 5 फ्रूट हमारे इसमें सेट हुए हैं, हमारे पौधे में। बाकी इतने रहते नहीं हैं, वो खीर जाते हैं, मर जाते हैं किसी प्रकार से, वो डैमेज हो जाते हैं। एक पौधे में अगर 3 फ्रूट भी सेट हो गए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 बीघे में कम से कम 6,000 पौधे से ऊपर लगाए हुए हैं। तो आप जोड़ सकते हो, अगर 3 फल भी सेट हुए, 3 से 4, तो मज़े आ जाएंगे। और नंबर 1 क्वालिटी है हमारे खेत में अभी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अभी मुझे जहाँ तक अंदाज है, जो मैंने कल स्प्रे मारा था उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मेरे को खेत में देखने को मिल रहा है। जो मैंने कल शायद बताया नहीं होगा यूट्यूब पे, मैं आज एक थंबनेल बनाऊंगा, उसमें फ्रंट पे सारा ऐड करूंगा। अभी जो कल मैंने बनाया था, स्प्रे मारा था, उसका ही रिजल्ट है। और फल के साइज देख सकते हो, बिल्कुल जैसे कैप्सूल रहता है लंबा, ऐसा है बिल्कुल। और ये जो वेराइटी है, ये एरिजोना की 1888 है, और इसका फल का आकार 6 किलो का था लगभग। ये पकने लगता है जब 6 किलो का हो जाता है, जब ऐसा लगता है हाँ ये पकने, लाल लाल होने लगता है। 6 से 7 किलो 8 किलो तक की इसकी साइज जाती है, और ज़्यादा अपन अगर मेहनत करें 10 किलो टच कर देता है। मार्केट में इसकी डिमांड कम है, बाकी जो रमज़ान का जो समय रहता है उसमें इसका उठाव अच्छा रहता है, बिक जाता है। व्यापारी ये नहीं देखते कि ये कैसा है, ये नहीं देखते लंबाई, उसमें क्या जैसे कि ब्लैकपन कम रहता है, कालापन, मतलब ब्लैकपन कम रहता है, हरापन रहता है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन रहता है, इसलिए थोड़ा मार्केट में डिमांड कम रहती है, बाकी बिक जाता है, कोई 1% दिक्कत नहीं है। इसका बीघे का उत्पादन अपन माने तो 200 क्विंटल से ऊपर आ जाता है। अभी हमारा खेत देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है 200 क्विंटल से हमारा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इतना मतलब पूत के पाँव पालने में दिख जाते ऐसा वाला मामला है। और ज़बरदस्त फ्रूटिंग, ज़बरदस्त बेले चल रहे हैं। अभी आप ये वीडियो देखना, और अभी मैं कल या परसों वापस एक वीडियो डालूँगा, आपको पता चलेगा कितनी तेज़ हमारी तरबूज के प्लाट की ग्रोथ चल रही है। अभी आप जैसे कि एक तो ये नीचे हमारा 1888 लगा एरिजोना का, और ये वाला जो है ये BSF का मैक्स है, जो नूनेंस कंपनी ने इसको बेच दिया था, मैक्स ने ले लिया है। जो इसकी भी फ्रूटिंग सेट होने लग गई है, मैं आपको बताता हूँ। इसका थोड़ा गोल आकार है, बाकी इसकी भी साइज अच्छी जाती है, ब्लैक रहता है पूरा। और ये मंडी में सबसे ज़्यादा टाइट बिकने वाला है, मार्केट में धूम मचा देता है, ऐसा मामला है। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चल रही है। हम जो खाद का शेड्यूल अपनाते हैं और जो स्प्रे का शेड्यूल अपनाते हैं, उसका सब हम खेत को मतलब हमें देखने को रिजल्ट मिल रहा है हमारे खेत में, शानदार। और अभी सबसे मेन जो काम है अभी अपने खेत में, ये इससे फल मक्खी जो ट्रैप बोलते हैं इसको, ये आपको खेत में 1 बीघे में 5 लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 बीघा है, तो हमने यहाँ पे 20 लगाए, बाकी आप 5 लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो, जितना लगा उतना फ़ायदा अपना ही है। तो ये हमने फल मक्खी ट्रैप कल ही लगाया है, मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारण, तो पूरे खेत में हमने लगा रखी है फल मक्खी ट्रैप। क्योंकि ये जो छोटा सा फल रहता है अपना, जैसे कि ये वाला फल है, ये फल है, इसमें इससे भी छोटा रहता है ना, तब फल मक्खी डंक मार के चली जाती है और वो अपना काम करके निकल जाती है। इसलिए पहले से ही सावधान रहे और अपनी फसल को सुरक्षित कर रखें। सबसे शानदार काम है हमारी बेल में किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं, ना तो थ्रिप्स का है, ना ही माहू का है, और ना ही लिप माइनर का। आप क्वालिटी देख सकते हो कैसा क्या हम मैनेजमेंट करके रखते हैं, और ना ही यहाँ पे चारा है, जैसे कि हमने सारा चारा भी जो पास में रहता है गड्ढे के पास, वो सारा उखड़ा दिया था, कहीं कहीं का छूट गया है। ज़बरदस्त खेत की क्वालिटी,
और जो किसान भाई भी हमारे चैनल को देख रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक ना भी करें बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा मन करता है बनाने का, मोटिवेशन मिलता है आपको अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो तो, और सब्सक्राइब करते हो तो और अच्छा लगता है, क्योंकि आपके हित की बात करता हूँ मैं, कोई दूसरी बात तो करता नहीं हूँ किसी भी प्रकार की। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, डेली वीडियो अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।